Okay. Next questions. Questions number fourth. P and Q are two positive real numbers such that P square plus Q square equal to 1, then the maximum value of P plus Q. P and Q की maximum value अपने को बताने की कितनी होगी? Okay. First given है question number fourth. IEEE 2007 में पूछा था AP Q are positive numbers. P and Q दोनों positive number हैं. Okay, and P score plus Q score equals to 1 and ठीक तो then the maximum value of P plus Q की maximum value calculate करने के P plus Q की maximum value क्या आएगी. Okay, इस क्वेश्चन को हम P एंड Q दोनों पॉजिटिव दे रखा है तो हम EM GM के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. ठीक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है P plus Q की, तो इसको लिख दिया P by 2 एंड प्लस पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू. इसका ए एम लिया अपॉन फोर. ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है, ए एम ग्रेटर इक्वल्स टू जी एम. ठीक, ओके, ये हम अगर इसका जी एम लेंगे तो इक्वल्स टू इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा पी बाई टू का स्क्वायर एंड क्यू बाई टू का स्क्वायर अप की पावर 1/4. ये इसका जी एम आ जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू. ओके, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू बाई फोर ग्रेटर देन या इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन 4 × 4 की पावर 1/2. एंड ये हो जाएगा 4 16, यानी कि ये हो जाएगा 2. ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो P इंटू क्यू, अपने पास P प्लस क्यू की P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है. ओके, तो यहां से P प्लस क्यू का अंडर रूट जो आएगा उसका 2 टाइम्स, वो हो जाएगा अपने पास P प्लस क्यू. सही है. ओके, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट पी प्लस क्यू कैलकुलेट करना है. पी प्लस क्यू की बात करें तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ. ठीक, अच्छा 2 PQ की अगर बात करेंगे तो इसको हमने पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू 1 हो गया. ओके, एंड P प्लस क्यू ये 2 × P+Q हो जाएगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन 4. ठीक, यानी कि 1/2 इधर आएगा. तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि P प्लस क्यू आगे इधर लिख देते हैं, यानी कि P प्लस क्यू का होल स्क्वायर है वो है 2, तो P प्लस क्यू कैसा आ जाएगा अंडर रूट 2. अपने को बताना है क्या, इसमें अपने को बताना है कि P प्लस क्यू क्या होगा, तो P प्लस क्यू हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट.